नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा टेक चैनल ऑन नॉलेजिस। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक लाइटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लाइटर का नाम तो सुना है, आपने सुना ही होगा, वो वर्क कैसे करता है, उसके अंदर होता क्या है, ये पूरी वीडियो आज इसी के ऊपर है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, बिना स्किप किए हुए आगे तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि लाइटर में होता क्या है, देन वो वर्क कैसे करता है। ये देखिए दोस्तों, ये लाइटर है, इसको मैंने चलाया, ये जल तो रहा है दोस्तों, आपको दिख रहा है, बट ये काम कैसे करता है इसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा। अगर मालूम भी होगा तो आपको अंदर ये नहीं पता होगा इसके अंदर होता है क्या। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी देखने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपने देखा होगा ये लाइटर होता है, ये ध्यान से देखिए, ये लाइटर है, इसको मैंने यहाँ से पुश किया तो ये जलने लगा। देखिए दोस्तों ये जल रहा है, पर ये जल कैसे रहा है, कभी आपने सोचा ये वर्क कैसे करता है? आपने तो यहाँ पे इसको जो दबाया, आपको पता होगा कि इसके अंदर एक कुछ लगा हुआ है, इससे इसको इसी को पुश करने से ये जलता है। दोस्तों चलिए इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो भरा होता है वो ब्यूटेन गैस होती है, जो कि बहुत ही हल्की होती है, कलरलेस होती है, स्मेल लेस होती है। इसके अंदर ना आपको बदबू आएगी और ना ही ये इसका कोई कलर होता है। इसको यहाँ से नीचे से फिल किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इसको फिल किया जाता है और इतना इसके अंदर प्रेशर से भरा जाता है दोस्तों, इसको गैस इसके अंदर इतने प्रेशर से भरी जाती है कि ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ऑटोमेटिकली लिक्विड फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कौन सा मैकेनिज्म सिस्टम इसके अंदर काम कर रहा है जिसकी वजह से ये वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में लाइटर है, तो ये लाइटर जो दोस्तों देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है, ये जल जा रहा है। तो दोस्तों चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, एक्चुअली इसके अंदर है क्या कि ये वर्क कर रहा है जिसकी वजह से। दोस्तों सबसे पहले अपन इसको उसका कैप, ये है जो स्टील का कैप है, इसको तार लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये देखिए ये कुछ इस तरह दिखता है, ये इसके अंदर एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये इसका नोजल है जिसके अंदर से गैस निकलती है बाहर, और इसके ऊपर ये एक स्टील का लगा हुआ है जो कि इसको पुश करता है तो ये गैस रिलीज करने स्टार्ट करता है। जैसे ही इसको नीचे पुश करते हैं अपन, इसको पुश करते हैं, इसमें से गैस रिलीज होना स्टार्ट होती है। दोस्तों इसको पुश करने से नीचे का नोजल जो होता है दोस्तों, ये देखिए ये उठ रहा है, इसमें से अभी गैस निकल रही है मुझे, तो ये वर्क ऐसे करता है। और इसको जो ये दोस्तों ये लगा होता है जिसको अपन, ये देखिए अभी मैं इसको पुश करता हूँ, देखिए दोस्तों जलने लगा, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, इसको पुश किया और ये जलने लगा। ये कैसे काम कर रहा है इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ। ये निकाल लिया मैंने, ये देखिए ये कुछ इस तरह का लगा हुआ है। और जो दोस्तों मेन जो होता है इसके अंदर सर्किट दोस्तों, ये है मेन, इसको बोलते हैं, ये जो है यही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इसको पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट बोलते हैं, इसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट। इसके अंदर एक कुछ नहीं होता दोस्तों, इसके अंदर एक प्लेट सी लगी होती है, देख यहाँ पर एक यहाँ पर, और इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, ये देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसमें हल्का सा निकलेगा, देखिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे शॉक लग रहा है, मैं इसको जब भी पुश कर रहा हूँ तो मुझे शॉक जरूर लग रहा है क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक पैदा हो रही है। यही काम करता है दोस्तों इसके साथ, इसके जब दबाते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर जैसे मैं इसको पुश करता हूँ इसके अंदर क्या मैकेनिज्म काम करता है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे काम कर रहा है। दोस्तों जैसे ये इसको पुश करते हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जो कि इसके अंदर से जो गैस निकलती है, इन दोनों के बीच में स्पार्क होता है, स्पार्क होने की वजह से ये आग का रूप ले लेती है। जैसे ही अपन इसको पुश करते हैं, इसको
तो इसके अंदर से गैस निकलती है और वो गैस इस शॉक के कारण से वो आग लग जाती है और ये लाइटर जलने लगता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो रहता है, इसके अंदर आपको ब्यूटेन भरी होती है जो कि कलरलेस होती है, बिल्कुल इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई कलर नहीं है और ना कि इसमें से स्मेल आती है दोस्तों बिल्कुल भी, ये बिल्कुल स्मेललेस होता है और ये बहुत ही लाइट वेट होता है, आप देख रहे हैं जैसे कि। तो दोस्तों चलिए मैं इसको वापस से इसके अंदर पुट करके दिखाता हूँ और मैं आपको जला के दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बाहर से भी एक बार जला के दिखा देता हूँ कि काम कैसे कर रहा है, ये देखिए अभी मैं इसको पुश करता हूँ और इसको जलाता हूँ, जलाने की कोशिश करता हूँ, जलता है तो ठीक है। देखिए दोस्तों जला, देखिए जल रहा है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ ये टिप बंद हो गया, फिर मैं इसको पुश करके एक बार को जलाने की कोशिश करता हूँ, देखिए जल रहा है। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से वर्क करता है, इसके अंदर कोई मैकेनिज्म ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इसके अंदर कुछ नहीं है, बस इसके अंदर गैस जो रहती है उसको इसके होल्डर के द्वारा इसको एडजस्ट किया जाता है, अप एंड डाउन किया जाता है और जो ये पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है दोस्तों इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है ताकि इसके अंदर आग लगा सके, स्पार्क कर सके और इसके अंदर आग जनरेट हो सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मैंने आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपका नॉलेज भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ होगा और आपको पता चल गया होगा कि कैसे लाइटर वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों हमने इसका तो ऑपरेशन कर दिया है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, देन इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा मैं कि जुड़ जाए, पर आपको तो पता चल गया ना दोस्तों कि काम कैसे करता है। आपको मजा तो आया होगा वीडियो में, अगर आपको मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनसे भी पूछे कि भाई तेरे को पता है ये लाइटर काम कैसे करता है, अगर नहीं पता है तो उसे बताएं और अपने आपको थोड़ा इंटेलिजेंट उसके सामने शो करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आशा करूंगा कि ऐसा ही कुछ एक और टेक्निकल चीज लेकर आऊं और आपको बताऊं कि कोई चीज कैसे काम करता है। अगर आपको कोई कमेंट हो, अगर आपको भी लगता है कि मेरे को किसी और चीज पे आपको बताना चाहिए कि वो कैसे वर्क करती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छा अलग चीज लेकर,